चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी नए कीर्तिमान रचती नजर आ रही है। बेलगाम बयान लगातार सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। बयानों के वीर जिस तरीके से चला रहे हैं, उसको देखकर लगने लगा है कि चुनाव की आंच में इस बार भाषा गिरावट का नया स्तर छूने वाली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नाथ का बीजेपी और शिवराज पर बड़ा वार, नालायक के बाद दिया झूठे का खिताब। सिंधिया बोले, जनता देगी हर सवाल का जवाब। उपचुनाव से पहले चल रहे हैं बयानों के बाण। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफी पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी? हमने लगातार कहते रहे और शिवराज सिंह लगातार झूठ बोलते रहे। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और उन्होंने बड़ी जल्दी ही सिंधिया जी को भी झूठ बोलना सिखा दिया। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। उनके बयानों में कई बार नाराजगी भी नजर आती है, लेकिन बयानों की तल्खी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रही। दोनों तरफ से नेता लगातार भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। जो पहले हस्ताक्षर किए मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने, वो ही मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी करके किए। सबसे बड़ा झूठेला, सबसे बड़ा धोखेबाज कोई अगर है इस देश में नेता, तो वो है मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी। अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो, भाजपा कार्यालय कैसा आतंकवादी था कमलनाथ का राज। कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के बयानों में अभी भी सरकार जाने का गुस्सा झलकता है। उपचुनाव को अंतिम लड़ाई मान रही कांग्रेस दल बदल और गद्दारी को मुद्दा बना रही है। उसके निशाने पर शिवराज सिंह के साथ ही बीजेपी के महाराज भी हैं। शिव और सिंधिया की जोड़ी नाथ के हर हमले का जवाब भी दे रही है। तुम लाए हो कमलनाथ किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया खा गए, 2018 के एक पैसा जमा नहीं किया। मैंने आते ही खाते में पैसा डाल दिया। कमलनाथ नायक है और शिवराज सिंह चौहान नालायक है। तुम लायक हो कमलनाथ, तुमने 0% काट पे कर्जा देना बंद कर दिया किसान को। गद्दार हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ, उनको सबक ये 7.5 करोड़ की जनता इन 28 विधानसभा में कांग्रेस को सिखाएगी। नेताओं के तर्कश बयानों के बाढ़ तो चल ही रहे हैं, इसके साथ ही उपचुनाव के मुद्दे भी लगभग सेट हो गए हैं। किसान फिर से सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस जहां कर्ज माफी को जनता के बीच लेकर जा रही है, तो वहीं बीजेपी कर्ज माफी को झूठा बता रही है। विधानसभा में गलत आंकड़ों को लेकर सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई की राह पकड़ चुकी है। मतलब साफ है कि उपचुनाव की जंग इस बार मुद्दों और बयानों का कॉकटेल होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।